Hey guys, this is Qamar. Welcome back to my channel. I am back with another video. Video ki janab badhne se qabl nay aane wale doston se hasbe riwayat guzarish hai ki wo subscribe ka button daba kar saath hi bell icon press kar dein taaki hamari nayi video ka notification bar waqt hasil kar sake. To aaj ka just topic hai sirf jo bhi aaj tak humne padha tha na uske bare mein ek chota sa quick review hai aur in tamam video के जो असल लिंक हैं वो मैं आपको जो ओरिजिनल प्रोनाउंसिएशन चाइनीज़ प्रोनाउंसिएशन के साथ कुछ लेक्चर जो काफ़ी हार्ड थे उनमें मैं चाइनीज़ प्रोनाउंसिएशन भी ऐड की है आपकी आसानी के लिए. तो आप मैं इन तमाम जो 30 लेक्चर हैं जो मैंने आज तक पढ़ाया है थोड़े थोड़े करके थोड़ा थोड़ा करके तो वो मैं इनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा तो आप उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा. और जस्ट हमने आज क्विक रिव्यू करना है नए बिगिनर के लिए ताकि उनको पता चले कि मैंने इस पर काफ़ी काम किया है. तो मैंने सबसे पहले सिंगुलर और प्लूरल हमने पढ़ा था वा नी था वा मैन नी मैन था मैन ये है हमारा पहला लेक्चर. तो उसके बाद आता था ये दूसरा हमारा लेक्चर है तो इस तरतीब के साथ हमने पढ़ा था. तो उसके बाद आता है ये फ्रेम है जनाब महीनों का फ्रेम है ईगा युए नहीं नहीं मतलब शायगा युए चेगा युए शाइगा युए. तो ये काफ़ी ब्रीकी के साथ हमने उधर पढ़ा था अपनी वीडियो में. तो दिस दैट के बारे में हमने काफ़ी डिटेल से पढ़ा था और चेगा नाएगा चीशी नाशी नाएगा शे. तो आप मैं जस्ट नॉर्मली रिव्यू करूँगा वा नी था के बारे में काफ़ी पढ़ा था. तो इस तरह करके आप देख सकते हैं उन लेक्चर में जाकर ये एक महीनों के नाम हमने याद किए थे ईगा युए लियांगा युए सांगा युए सेगा युए. तो इस तरह करके आप देख लीजिए वीडियो में जाकर डिटेल से तो ईगा युए लियांगा युए सांगा युए सेगा युए वोगा युए लियोगा युए छीगा युए पागा युए शीगा युए शीगा युए शियागा युए. तो नेक्स्ट है हमारा ये है आ जाता है सब्जियों के नाम जो भी आप खाते हैं उनके नाम आप याद कर सकते हैं. मैंने काफ़ी सब्जियों के नाम ये आपकी तकरीबन रोज़मर्रा यूज़ेबल चीज़ें हैं न्योरो चीरो यांगरो चूरो हन पाओ पा मीन पाओ तापिंग पाकिस्तान की रोटी को कहते हैं चीन ताए मीन थ्याओ यो नी फैं. तो ये चावल आटा जो है अंडे चीता तो रोटी ब्रेड ये तापिंग है जो पाकिस्तान की तरह की रोटी और मीम पाव ब्रेड को कहते हैं जो इंटरनेशनल लेवल के ब्रेड होते हैं. तो उस तरह ये सब्जियों के नाम हैं और ये होम अम्प्लायंसेस हैं पिंग शंग तीन शी कुंग थ्याओ तीन नाओ पी जी पान शी जी युन थोंग होलू युन थांग ची क्वांग नुन छी. तो इस तरह करके मैंने काफ़ी बताया था आपको वादा नीदा था दा वामंदा नीमंदा था मंदा. तो ये भी वेजिटेबल्स के नाम हैं. तो उसके बाद हमारा है ये भी गेम के नाम है अगर जो भी आप गेम खेलते हैं उनके आप नाम याद कर सकते. सिर्फ वोकैबुलरी याद करने का मकसद सिर्फ इतना होता है कि जब आदमी कोई आपसे बात करे तो आपको मुख्तलिफ टॉपिक की वोकैबुलरी थोड़ी सी आनी चाहिए कि गेम को क्या कहते हैं वेजिटेबल्स की क्या नाम है और इस तरह करके आप बता सकते हैं. और ये फैमिली मेंबर्स के नाम हैं मामा बाबा गागा मूफू भी कहते हैं लेकिन आप मामा बाबा गागा छे जे मे दीदी ये नैने शोशो ये अर्जा न्यूआर. तो इस तरह करके आप याद कर सकते हैं पी जी हो छा छन छूजू छा छी छा जी छिंग छा मोतो छा ती तियाँ कुंग कुंग छा छी चैन तो हूँ कू लू तियाँ अपना ट्रैफिक लाइट्स को. तो इस तरह करके वाशी मैं हूँ तुम हो वो है हम हैं वाह मैन नी मैन था मैन. तो इस तरह करके हमने पढ़ा था. तो उसके बाद गुड बाय के लिए जायचीन इस्तेमाल होता है गुड बाय के लिए काफ़ी ये मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड्स है जायचीन. तो उसके बाद हमारा है नेक्स्ट वर्ड्स है जो है ये गिनती हमने याद की थी काफ़ी वन से लेकर वन मिलियन तक. तो पीछे मैं दिखाता हूँ आपको ये है मतलब 30 40 50 60 70 यानी कि सन शी से शी वो
shi, liu shi, chi shi, ba shi, jo shi, 100, e pi, e chen, e pi 1. To fun tien, san tien, shua za, khu za, tao. Ye hotel ke related jo bhi vocabulary hai, ye wo fun, wan fun, raat ka khana aur dopahar ka khana. To neuro, ye drinks ke naam hai, new nai shwe, cha, coffee, chuan, pi chao, pingua, cola, chocolate, shui tao, son nai, to ye ka, aur ye body parts aa jate hain. Chao, chao, artu, yanching, biza, sueba, tue, taufa, lien, suehon, rufang, yansa. तो इस तरह ये 1 2 आ जाता है ई आर सन्स ओ ल्यो ची पा चो स. तो नेक्स्ट है हमारा फू थाओ यो ग्रेप फ्रूट. तो इस तरह क्वा जो भी आपको फल पसंद है वो उनके आप नाम याद कर सकते हैं. तो काफ़ी मैंने 40-45 फ्रूट के नाम ऐड किए हैं उन छोटी छोटी वीडियो में. तो और ये भी नाम है फ्रूट के. तो उसके बाद है ये फिर गिनती के चंद वर्ड्स आ जाते हैं. ये इस तरतीब के साथ मैंने बनाए थे. शी ई शी आ शी सन शी सो शी वो शी ल्यो शी ची शी पा शी चो आर शी. तो उसके बाद आ जाता है ये कुछ डे का फ्रेम बनाया था. पोजीशन ऑफ डे या डे का फ्रेम कह लें, मतलब जौ थी एन कल चिन थी एन मिन थी एन. तो उसके आगे ये भी दो तीन हो थी एन डे आफ्टर सन थी एन हो डे आफ्टर थ्री सी थी एन हो डे आफ्टर फोर. तो उसके बाद हमारा इस तरह करके ये कुछ क्लॉथ के नेम थे. ये है यन चिंग शेजा वाजा मोचिन शौथाओ खूथाए ताई खूजा मऊजा ईफू थीशुशन छनशन. तो नेक्स्ट हमारा है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है शेमियन होमियन शंग शामियन. तो उसके बाद हमारा ये फिर फल आ जाते हैं. तो ये एवरीबॉडी के लिए ताचा हाओ ताचा हाओ ताचा हाओ एवरीबॉडी हाय हेलो एवरीबॉडी इसके लिए इस्तेमाल होता है. ये ग्रामर के कंजंक्शन प्रपोजिशन एडवर्ब द ग्रामर के वर्ड्स हैं काफ़ी थोड़े थोड़े. ये मैं अपनी रोज़मर्रा की जो चाइनीज़ बोलता हूँ उसमें मैं काफ़ी यूज़ करता हूँ. तीन शी खा ये कान इन वे फी छांग हन मैं हो पू शी जाए इन काय नंग हुई खई रू क्वा राहो. तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं. तो इस तरह करके आप देख लीजिए जी क्या आज का तकरीबन हमारा ये 30 लेक्चर मैंने अपलोड किए हैं. इनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो आप जाकर इन्हें ज़रूर देखें. और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन लेक्चर में थोड़ी थोड़ी वोकेबलरी भी याद कर लेते हैं. जो भी आपको लफ्ज़ आसानी से याद हो जाए या अच्छी तरह आप प्रोनाउन कर पाएँ तो उस लफ्ज़ को याद कर लें, अपनी डायरी पर लिख लें. तो इंशाल्लाह आप एक महीना दो महीने मेहनत करेंगे ना तो आप एक अच्छी चाइनीज़ बोलना सीख जाएंगे, मैं उम्मीद करता हूँ. तो ये मैंने काफ़ी उर्दू के साथ और उसके बाद मैं आज से एक ग्रीटिंग लेक्चर भी स्टार्ट करने लगा हूँ जिसमें एक मतलब तसलसल के साथ बात करते हैं दो लोग. और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं जो चाइनीज़ में मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल पूछते हैं तो इस तरह के रिलेटेड मैंने काफ़ी वो डीपली 4 लेक्चर वो मैंने अपलोड किए, वो मैंने इधर नहीं बताया. तो वो मैं आज कल में अपलोड कर दूंगा तो आप उन्हें भी देख लीजिएगा. सो अल्लाह निगेबान.